औरंगाबाद के लोगों ने 2019 में एक तारीखी फैसला लिया था और इम्तियाज जलील को कामयाब करवाया था, इसलिए इस बार भी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इम्तियाज जलील को बिला इम्तियाज वोट देकर कामयाब बनाए। औरंगाबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, गाली देते थे, गाली देता था नहीं देता था, तौहीन करता था नहीं करता था, 20 साल औरंगाबाद की आवाम ने उनको मौका दिया और क्या करते थे 2018 मुझे अच्छी तरह याद है, क्या हुआ था उस जमाने में, कौन कर रहा था वो गड़बड़, कौन दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा था, 20 साल मौका मिला। अरे 20 साल में तो बच्चा जवान होकर शादी भी कर लेता, मगर ये 20 साल में औरंगाबाद को पीछे लेकर चले गए, सिर्फ नफरत 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 की बातें की, दिलों को तोड़ने की बातें की, नफरत को फैलाने का काम किया और आज आकर कह रहे हैं मेरा आखिरी इलेक्शन है। अरे तेरा आखिरी इलेक्शन 2019 था, तेरा दी एंड हो चुका है, अब तेरा कोई इलेक्शन नहीं होने वाला इंशाअल्लाह ताला। अब आप जवाब दीजिए 2019 में उसका आखिरी इलेक्शन हुआ नहीं हुआ, 2019 में उसका आखिरी इलेक्शन हुआ नहीं हुआ, अब किसका इलेक्शन होगा, किसका इलेक्शन होगा? आवाज इतनी आनी चाहिए कि शिंदे भी हिल जाए, फडणवीस भी उठ जाए और मोदी दिल्ली में जाग जाए, इलेक्शन किसका होगा? नहीं जोर से लगाओ, इलेक्शन किसका होगा? गलत बोल रहे हैं, इलेक्शन आपका होगा, इलेक्शन तुम्हारे इत्तेहाद का होगा, इलेक्शन तुम्हारे सियासी शऊर का होगा, इलेक्शन जालिमों को खत्म करने के लिए होगा। तो आप बोलो इलेक्शन किसका होगा? इलेक्शन इत्तेहाद का होगा, ये होगा इलेक्शन। अब इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला। अब 20 साल से क्या बोलते थे नो, क्या बोलते थे नो, खान खान, अब इनका निशान क्या है? ज्यादा फेंकम फाक करे तो ऐसी होता है, कुदरत का निजाम है, हर इलेक्शन में खान बान तो कुदरत भी बोली, अब ले चले गया, सब चले गया, मशाल इनके हाथ में आ गया, मगर मशाल से भी होशियार रहना, मशाल से भी होशियार रहना, मशाल में आ गए। हम क्या बोलते, रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों व खिन्ना अज़ाबन नार, तो ये आग को खत्म करना, ये मशाल लेके आ रहे हैं, ये आग है, ये आग से घरों को जलाना चाहते हैं, इनका रिकॉर्ड है, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है। तो आग को हम बुझाएंगे, कैसा बुझाएंगे हम।